आपको कर्नाटक का हिजाब विवाद याद होगा, जब कई मुस्लिम संगठनों और लिबरल गैंग के लोगों ने स्कूल यूनिफॉर्म के मुद्दे को धर्म से जोड़कर एक नया बवाल खड़ा कर दिया था। हैरानी तो तब हुई जब तालिबान और मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन OIC ने भी भारत को नसीहत देनी शुरू कर दी थी। इन सभी ने बड़ी ही चालाकी से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश की। लेकिन भारत को नसीहत देने वाले OIC के 57 मुस्लिम देश आज ये खबर देखकर खून के आंसू रोएंगे। मजे की बात तो देखिए कि जिस हिजाब को लेकर भारत को घेरा गया था, अब वही हिजाब इन 57 मुस्लिम देशों के गले की फांस बनता जा रहा है। आपको बता दें कि OIC के सदस्य देश ईरान में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे दुनिया अनजान है। ईरान में पिछले कुछ समय से प्रदर्शन चल रहे हैं। ये प्रदर्शन ईरान की महिलाएं कर रही हैं। ईरान की महिलाएं हिजाब के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। इन महिलाओं को हिजाब से आजादी चाहिए। जानकारी दे दें कि ईरान की महिलाएं उस कानून का विरोध कर रही हैं जिसके तहत उन्हें हर हाल में सार्वजनिक जगहों पर अपने बालों को ढककर रखना अनिवार्य है। इस कानून के विरोध में ईरान की युवा महिलाएं सोशल मीडिया पर बिना हिजाब के खुले बालों के साथ वीडियो पोस्ट कर रही हैं। इन महिलाओं को अब पुरुषों का भी समर्थन मिल रहा है। ईरान से कई वीडियो सामने आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि ईरान की महिलाएं अपने देश के कट्टर राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। हैरानी की बात देखिए कि ईरान में इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सभी मुस्लिम देश खामोश हैं। कर्नाटक के मुद्दे पर दिलचस्पी दिखा रहे ये देश अब ईरान के मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते।